हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अजय और देखना शुरू कर चुके हैं के मॉर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि योनो एसबीआई का आप पासवर्ड और यूजर आईडी दोनों भूल गए हैं तो आप कैसे रिकवर कर पाओगे। बिल्कुल आसानी से एक छोटी सी वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं लेट ना करके, और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके आप लोगों को प्रॉब्लम का हल मैं करता ही रहता हूँ। तो गूगल पे आना है सिंपल सा, आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। सही बात है कि मैंने भी कुछ समय लॉगिन नहीं कर पा रहा था, मैं भी अपना यूजर आई डी और पासवर्ड को भूल गया था। पासवर्ड याद था मुझे, यूजर आई डी भूल चुका था मैं। तो चलिए एप्लीकेशन को रहने दीजिए साइड में। सबसे पहले आप गूगल क्रोम या फिर कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा जिस पर आप नेट चलाते हो। तो यहाँ पे सर्च करना है www.yono.sbi। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इस पर आपको ओपन कर देना है। जैसे यहाँ पे ओपन कीजिएगा आपको दो तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पोर्टल वाले में ही टच करना है जो इसका होम पेज है। आप देख सकते हो www.yono.sbi। तो यहाँ पे टच कर लीजिएगा। जैसे इस जगह पे टच कीजिएगा, कुछ देर का उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपको यूजर नेम पता नहीं है तो देखिए नीचे हल्का सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे इस जगह में फॉरगेट यूजर नेम और फॉरगेट पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको फॉरगेट यूजर नेम का प्रयोग करना है। सबसे पहले फॉरगेट यूजर नेम। चलिए, आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो हम पासवर्ड को रिकवर करने के बारे में बता देते हैं। पहले तो आपको फॉरगेट पासवर्ड में टच करिएगा। जैसे फॉरगेट में पासवर्ड में टच कीजिएगा तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी आपका दर्ज करना पड़ेगा और उसका पासवर्ड दर्ज। पासवर्ड भूल गए हैं तो एटीएम का पिन डाल करके या फिर एटीएम का नंबर डाल करके कैप्चर कोड को फिल करके एक ओटीपी जनरेट होगा जिस पे आपका मोबाइल पे पासवर्ड दे दिया जाएगा, नया पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गया होगा आपने। लेकिन आप यूजर आईडी भूल गए हैं, तो यूजर आईडी भूल गए हैं तो उसके लिए आपको फॉरगेट यूजर आईडी पे टच करना है। फॉरगेट यूजर आईडी पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, योर सीजन एक्सपायर का दिखाएगा। तो फिर से आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा या फिर बैक कर लीजिएगा और फिर से फॉरगेट यूजर नेम पे टच कीजिएगा। तो देख सकते हैं मेरे पास फाइनली पेज खुल के आ चुका है, आपके पास भी ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। CIF नंबर यहाँ पर डायल करना है, दर्ज कर दीजिएगा और जो कंट्री आप हैं उस कंट्री को यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आपका +991 ले लेगा। चलिए मान लीजिए हमने कंट्री इंडिया को सिलेक्ट कर दिया, +91 आ चुका है और यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को दर्ज कर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी है, चलिए हम दर्ज करके आपको दिखाते हैं। तो हमने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फिल कर दिया है। अब इस जगह पर आपको CIF नंबर, ये CIF नंबर क्या होता है? आपके पासबुक में फ्रंट पेज में आपका एक CIF नंबर होगा, उस नंबर को आप यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा। चलिए मैं CIF नंबर को भी दर्ज कर देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो हमने CIF नंबर को भी इंटर कर लिया है और मोबाइल नंबर भी इंटर कर लिया है, कंट्री भी सेलेक्ट कर लिया है, +91 ऑटोमेटिक 91 आ चुका है। अब कैप्चर कोड को यहाँ पे फिल कर देना है। कैप्चर कोड को फिल करने के बाद सबमिट पे टच करना है। चलिए फटाक से हम कैप्चर कोड को फिल कर लेते हैं। हमने सारा फिल कर चुका है, CIN नंबर, कंट्री, सारा कुछ फिल हो चुका है हमारा। तो आप देख सकते हो सब कुछ फिल करने के बाद हम अब सबमिट पे टच करेंगे। जैसे ही सबमिट पे टच करेंगे हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जनरेट होगा जो कि मुझे यहाँ इंटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मेरा OTP आ चुका है, इस जगह पे मुझे टच करके सबमिट कर देना है, कंफर्म करना है। चलिए मैं यहाँ पासवर्ड को कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट यहाँ पर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं डायल कर देता हूँ, पासवर्ड को मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ, हल्का सा वेट कीजिएगा।
तो देख सकते हो 2468 डिजिट में आता है इसका योनो एसबीआई का फॉरगेट करने के बाद ओटीपी। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ फटाक से। तो दोस्तों हमने ओटीपी को फिल कर दिया है, अब सबमिट पे टच करेंगे। दोस्तों जैसे ही मैंने सबमिट पे टच किया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ चुका है और यहाँ पे हमारा यूजर आईडी जो यूजर नेम है यहाँ पे शो कर चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं इस तरह का वीडियो बनाता ही रहता हूँ और आपके होने वाले धोखाधड़ी फ्रॉड से बचाता ही रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।